नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। दुबई की जो भी 5-7 अपडेट हैं अच्छी अच्छी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं भाई, इंडिया में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक था जिसको बढ़ा के 31 मई तक कर दिया गया है। उसमें कयास ये लगाई जा रही थी कि भाई एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। घरेलू उड़ानें जो डोमेस्टिक थी वो भी शायद 18-19-20 तक स्टार्ट होने की संभावना थी, लेकिन 31 मई तक पोस्टपोन कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या फिर राष्ट्रीय जितनी भी फ्लाइटें थी को कैंसिल, पहले ही कैंसिल थी लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया। 31 मई के बाद में गवर्नमेंट फैसला लेगी कि आगे करना क्या है। आगे बढ़ने से पहले साथियों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको विदेश से रिलेटेड अच्छी अच्छी न्यूज़ हमेशा मिलती रहे। दुबई में साथियों आपको पता है लॉकडाउन बढ़िया तरीके से, मेरे हिसाब से 90% से ऊपर भी लॉकडाउन खोल चुका है। दुनिया काम पे जा रही है, जो भी प्रोसेस है धीरे धीरे रूटीन में आ रहा है और गवर्नमेंट अच्छी अच्छी घोषणाएं भी रही है, वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या फिर टूरिज्म से रिलेटेड। अभी न्यूज ये आ रही है कि एयरपोर्ट जल्दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दुबई यूएई गवर्नमेंट खोलने जा रही है। अभी जल्दी इस महीने के अंदर अंदर एयरपोर्ट खुल जाएंगे, तो ये बेस्ट न्यूज है वर्करों के लिए या और लोगों के लिए अपने देशों में जाने के लिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरा आपसे निवेदन ये था कि मैंने एक वीडियो डाला था, आपको पहले भी पता है कि गवर्नमेंट ने इलीगल वर्कर जो भी थे, विजिट वीजा, परमिट वीजा, रेजिडेंसी वीजा या फिर इमिग्रेंट आईडी, कोई भी आपका वीजा जो एक्सपायर हो गए थे, जिनको गवर्नमेंट 3 महीने की आपको मोहलत दी थी कि भाई 18 मई से लेकर 18 अगस्त तक आपका जो भी प्रोसेस है आप अपने इंडिया चले जाएं ताकि आपका जो फाइन है वो बच सके, तो उसमें मैं बता दूं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसे फाइन माफ नहीं होगा आपका। तारीख यानी आज से जो वेबसाइट पे जाके, इलीगल वर्कर्स की एक अलग से वेबसाइट है, उस पे जाके आप अपना वेबसाइट रजिस्ट्रेशन करवा लें, आपका जो भी उसमें प्रोसेस है उसको पूरा करें ताकि उसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपका फाइन माफ हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्टर्ड वो होगा। वरना तो आपको तो मन में ये रहेगा कि हाँ जी माफ हो गया, जबकि सच्चाई है कि वो डॉक्यूमेंट्स में चढ़ेंगे नहीं, तो आप इलीगल उसमें फाइन आपका वहीं का वहीं रहेगा, तो दिक्कत आ सकती है, तो उस पर आप नोट कर लें इस बात को। दुबई की साथियों इमिरेट्स फ्लाइट है जो आने वाले टाइम में 21 मई से 8 कंट्रियों में अपनी फ्लाइट स्टार्ट करने जा रही है। दुर्भाग्यवश इंडिया में उसका नाम नहीं है क्योंकि इंडिया इजाज़त नहीं दे रहा है अभी इंटरनेशनल फ्लाइटें लैंड करने के लिए। सिर्फ कॉमर्शियल फ्लाइट है वो इंडिया से जा रही है और आ रही है, इतना ही है, और इसको एक्सटेंड करके 31 मई तक कर दिया, तो वैसे भी नाम होना नहीं था। 31 मई के बाद में देखते हैं क्या होता भाई। तो दुबई की तरफ से बहुत बेस्ट न्यूज़ है, इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रियों में 21 मई से फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी 8 कंट्रियों के लिए, तो 8 कंट्रियों के लोग दुबई आ जा सकेंगे भाई। मैं तो हर बार ये वीडियो, मुझे तो ये लगता है कि जितने भी दुबई से रिलेटेड हम जानकारी देते हैं सबसे बेस्ट होती है, और हम यहाँ पे बात करेंगे मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड। आपको पता है साथियों दुबई में वर्कर वीजा 2 साल का है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लेते हुए जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल डॉक्टर्स, नर्स या मेडिकल से रिलेटेड जितना भी स्टाफ है, कोरोना में जिन्हों जो काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, उनका गवर्नमेंट ने सीधा 2 साल से वीजा बढ़ा के 10 साल कर दिया गया, अमेरिका के बराबर उनको पहुंचा दिया। तो ये मेडिकल स्टाफ वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है साथियों। अगर आपके साथ वाला है तो उनको भी आप जरूर शेयर कीजिए बातें उनका। मेरा तो एक है भाई दोस्त, मान लीजिए राजस्थान का है, वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, उसका वीज़ा अभी अच्छी बात है 4 साल से कर रहा था, अभी वीज़ा उसका 10 साल एक्सटेंड हो गया ऑटोमेटिक, 2 साल से रिन्यू करवाने का झंझट खत्म। तो दुबई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आपको पता है 22 मई से लेकर 26 मई तक रमजान का महीना है लास्ट, तो आपको पता है हॉलीडे रहेगा, 5 दिन एंजॉय कीजिए, मजे करिए। अब मजे तो क्या है भाई, लॉकडाउन है, पैसों की तंगी है, तो हो नहीं पाएगा, बाकी छुट्टी रहेगी, जो जॉब कर रहे हैं उनको घर बैठे तनख्वाह मिलेगी, ये बेस्ट न्यूज़ है उनके लिए। लास्ट न्यूज़ में बता दूँ साथियों कि दुबई में आपको पता है भाई बहुत सारी कंपनियाँ कोरोना की वजह से बर्बाद हो गई, बिजनेस वगैरह सब कुछ चौपट होने की वजह से बहुत सारी कंपनियाँ अनपेड लीव पे उनको भेज रही हैं कि भाई आप अपने घर जाओ, आप अपने रूम पे बैठो, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। हालांकि उम्मीद है कि अगले महीने से रूटीन में आ जाएगा, अगले जून के अंदर, तो बहुत अच्छा रहेगा वर्करों के लिए। साथियों आज के लिए इतनी न्यूज़ थी, नेक्स्ट वीडियो में जैसे मेरे पास कोई अच्छी न्यूज़ आती है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।